मैं भारत का बिल गेट्स अजीम हाशिम प्रेम जी बोल रहा हूँ। मैं वही अजीम प्रेम जी हूँ जो एक भारतीय बिजनेसमैन, इन्वेंटर और भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो का चेयरमैन रहा। मैं वही हूँ जो सन 1999 से 2005 तक भारत का सबसे अमीर व्यक्ति भी रहा। मैं शायद भारत का इकलौता ऐसा बिजनेसमैन रहा होगा जिसे लोग बिजनेसमैन के तौर पर कम और परोपकारी दानवीर के तौर पर ज्यादा जानते हैं। मैं भारत की आईटी कंपनी विप्रो का फाउंडर हूं। वर्तमान 2023 में विप्रो की नेटवर्थ 27.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। दुनिया मुझे आईटी बिजनेस के सम्राट अजीम प्रेमजी के नाम से जानती है। आज मैं आपको सबसे पहले मेरे जन्म और शिक्षा के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जहां मार्केट में पहले से IBM जैसी बड़ी कंपनियां थी, वहां कैसे मैंने एक छोटी सी साबुन तेल बनाने वाली कंपनी को विप्रो जैसी दिग्गज आईटी कंपनी बनाया। साथ ही ये भी बताऊंगा कि मुझे भारत का बिल गेट्स और सबसे बड़ा दानवीर क्यों कहा जाता है, और मेरे जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से भी आपको जरूर बताऊंगा। इन सभी बातों को विस्तार से जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी भारत के नौजवान युवा वर्ग से पूछना चाहूंगा कि आपके अनुसार पिछले 5 सालों में भारत के किस सेक्टर में ज्यादा विकास हुआ है। मेरा जन्म 24 जुलाई 1945 को मुंबई के एक मुस्लिम परिवार में हुआ। मेरे पिता का नाम मोहम्मद हाशिम प्रेम जी और माता का नाम गुलू बानू प्रेम जी है। मेरे पिता एक प्रसिद्ध व्यवसायी थे और राइस किंग ऑफ बर्मा के नाम से जाने जाते थे। तो बर्मा वर्तमान म्यांमार से भारत आए और गुजरात में रहने लगे। गुजरात आकर भी उन्होंने चावल का कारोबार शुरू किया और धीरे धीरे उन्हें भारत के बड़े चावल कारोबारियों में गिना जाने लगा। 1945 अंग्रेजों की कुछ नीतियों की वजह से उन्होंने अपना चावल का कारोबार बंद कर दिया। पिता नए कारोबार की शुरुआत की कोशिश में जुटे हुए थे और अवसर की तलाश में थे। इस दौरान वो मुंबई से करीब 350 किलोमीटर दूर अमलनेर पहुंचे। वहां से वो वनस्पति तेल की एक छोटी सी मिल मालिक को दिए गए कर्ज के सिलसिले में मिलने गए। मिल मालिक कर्ज चुकाने में असमर्थ था और उसने पिता से कहा कि कर्ज के बदले में वो तेल की मिल को खरीद ले। यही वो अवसर था जिसकी तलाश मेरे पिता को थी। इसके बाद वो चावल के व्यापार से वनस्पति तेल के कारोबार में उतर गए। अमलनेर में बिजनेस का फॉर्मेट सरल था। इस इलाके के किसान बड़ी मात्रा में मूंगफली की खेती करते थे। उनकी उपजाई मूंगफली मिल द्वारा खरीदी जाती थी और उसे प्रोसेस कर उपभोक्ताओं को बेचा जाता था। पिता ने मिल को खरीद लिया और नाम रखा वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड। 25 दिसंबर 1945 को कंपनी रजिस्टर्ड हुई। कंपनी तो चल पड़ी लेकिन इसका प्रदर्शन स्थिर नहीं रहा। साल 1950 में कंपनी को पहला शुद्ध घाटा हुआ। फिर 2 साल बाद कंपनी मुनाफे में लौटी। 1947 में देश विभाजन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने मेरे पिता को पाकिस्तान आने और वहां का वित्त मंत्री बनाने का न्योता दिया, पर उन्होंने उसे ठुकराकर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत में ही रहने का फैसला किया। 1963 में मैं अपनी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गया। उस वक्त मेरे बड़े भाई फारूख MH प्रेमजी वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड के बोर्ड में शामिल हो गए। बाद में 1945 में इस्तीफा देकर फारूक पाकिस्तान चले गए। 24 जुलाई 1966 को मैंने अपना 21वां जन्मदिन मनाया ही था और अगले 6 महीने में मैं ग्रेजुएट होने वाला था, लेकिन 11 अगस्त के दिन आए एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। फोन कॉल की दूसरी तरफ मेरी माँ थी। उन्होंने मुझे पिता की मृत्यु की खबर सुनाई। मुझे तुरंत भारत लौटना पड़ा। अब भारत में मुझे अपने पिता के डूबते कारोबार की जिम्मेदारी संभालनी थी। पिता के निधन के बाद जब मैंने वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड के काम को देखना समझना शुरू किया, उस वक्त कंपनी बड़े कर्ज में डूब चुकी थी। तब कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स ने कहा कि तुम अभी 21 साल के हो, तुम्हें बिजनेस की कोई समझ नहीं है, तुम कंपनी नहीं चला सकते। लेकिन मैं उनकी बात को इग्नोर कर इस बात को शुरू करने की कोशिश में जुट गया। इसमें लंबा समय गुजर गया। इतने वक्त में मुझे एक बात समझ में आ गई कि मेल को चलाने के लिए योग्य और कुशल लोगों की जरूरत है। साल 1968 में 23 वर्ष की उम्र में मैं कंपनी का प्रबंधक निदेशक बना। मुंबई के घोटा स्ट्रीट स्थित हाशिम प्रेम जी हाउस के दफ्तर से मेल नहीं चलाई जा सकती। इसके लिए मुझे मुंबई से 350 किलोमीटर दूर अमलनेर में ही रहना पड़ा।
मैं महीने में 3 बार अमलनेर जाने लगा और हर दौरे पर 3 दिन रुकता, मील के कामकाज को देखता और समझता। कंपनी की मील कोई आधुनिक फैक्ट्री नहीं थी, मेरे लिए शुरुआती साल फैक्ट्री में बिताना कठिन रहा। मैंने कारोबार को बढ़ाने के लिए एक ट्रेडिंग रूम की स्थापना की, इसके तहत तेल की बिक्री की जाने लगी। कारोबार ने रफ्तार पकड़ी, लेकिन मैं इस व्यवसाय से खुश नहीं था। मैं किसी और व्यवसाय की तरफ रुख करना चाहता था। तेल के कारोबार में कच्चे माल की आपूर्ति कम थी, दूसरी ओर वनस्पति तेल के विकल्प के रूप में पाम ऑयल का आयात किया जाता था। आयात की मात्रा भी लाइसेंसों द्वारा प्रतिबंधित थी, लेकिन तेल के कारोबार से ही कंपनी का रेवेन्यू आता था, इसलिए इस बिजनेस को छोड़ना आसान नहीं था। लेकिन मैं कारोबार के विस्तार का मन बना चुका था। मैंने वनस्पति तेल और साबुन बनाने के कारोबार से आगे बढ़ना चाहता था। साल 1975 में वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड ने अपना पहला विस्तार किया। मैंने भवन निर्माण उपकरणों के लिए हाइड्रोलिक कंपोनेंट्स बनाने के बिजनेस में कदम रखा। इसका नाम रखा गया फ्लूइड पावर। हालांकि ये तब तक शुरू नहीं हो पाया जब तक 1976 तक कंपनी के नए व्यवसाय वेंट्रोल इंजीनियरिंग ने अपना उत्पादन शुरू नहीं किया। इस कारोबार में मुझे सफलता हाथ लगी और इसका पहला बड़ा विस्तार विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग 2019 में करीब $0.5 अरब का हो गया। ये हाइड्रोलिक्स, एरोस्पेस और वाटर ट्रीटमेंट के क्षेत्र में औद्योगिक समाधान उपलब्ध कराता है। विट्रोल इंजीनियरिंग की उड़ान भरते ही कंपनी स्कूटर बनाने पर विचार करने लगी, लेकिन स्कूटर बनाने के लिए पूंजी और आईटी बिजनेस में दिख रहे अवसर की वजह से कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। जिस समय मैं आईटी बिजनेस की तरफ रुख करने की योजना बना रहा था, उस वक्त देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। इमरजेंसी खत्म होने के बाद बनी नई सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे अमेरिकी आईटी कंपनी आईबीएम को भारत छोड़कर जाना पड़ा। दरअसल 1977 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की कैबिनेट में उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने विदेशी कंपनियों को फेरा कानून का पालन करने को कहा। जॉर्ज ने सभी विदेशी कंपनियों को नोटिस थमा दिया। कंपनियों के लिए 1973 में हुए फेरा संशोधन का पालन अनिवार्य बना दिया गया। बाकी कंपनियां तो तैयार हो गई, लेकिन आईबीएम और कोका कोला इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसके तहत भारत में कारोबार करने के लिए विदेशी कंपनियों में बहुसंख्यक हिस्सेदारी भारतीयों की होनी चाहिए थी, या फिर कंपनी को अपनी टेक्नोलॉजी साझा करनी होती। इस फैसले के बाद आईबीएम और कोका कोला ने भारत से अपना कारोबार समेट लिया। मैंने इसे अवसर की तरह देखा और कंप्यूटर के क्षेत्र में उतरने के लिए लाइसेंस अप्लाई कर दिया। साल 1979 की आखिर तक कंपनी को इसका लाइसेंस मिल गया। दशक के समाप्त होते होते वेस्टर्न इंडिया वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड कंप्यूटर बनाने के बिजनेस में उतर गई। साल 1982 में कंपनी का नाम बदलकर विप्रो कर दिया गया। एक दिलचस्प बात, आप में से कई लोगों को अभी तक विप्रो का फुल फॉर्म नहीं पता होगा। विप्रो का पूरा नाम है वेस्टर्न इंडिया प्रोडक्ट लिमिटेड। आपको इससे पहले विप्रो का पूरा नाम मालूम था या नहीं, ये मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताएं। इसके बाद कंपनी ने टेक्नोलॉजी के जानकारों को अपने साथ जोड़ने की शुरुआत की। तब इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में बैंगलोर उभर रहा था। विप्रो यहां दाखिल हुई और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर केजी राव को अपना सलाहकार नियुक्त किया। इस तरह विप्रो इंफोटेक का जन्म हुआ। मैंने अधिकारियों को खुली छूट दी, कंपनी को अपने सिद्धांतों के अनुरूप चलाया। विप्रो ने एक अमेरिकी कंपनी सेंटिनल कंप्यूटर्स के साथ मिलकर माइक्रो कंप्यूटर्स बनाने का काम शुरू किया। सेंटिनल कंप्यूटर्स के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग का एग्रीमेंट था। कुछ समय बाद विप्रो ने अपने हार्डवेयर को सपोर्ट करने वाले सॉफ्टवेयर बनाने का काम भी शुरू कर दिया, और इस तरह से मैंने एक साबुन बनाने वाली कंपनी को सॉफ्टवेयर कंपनी में तब्दील कर दिया। वक्त के साथ विप्रो के सॉफ्टवेयर का काम उसके हार्डवेयर के काम से आगे निकल गया। विदेशों से काम मिलने लगे। अगले 4 दशकों में विप्रो $10 अरब से अधिक के राजस्व के साथ अलग अलग कारोबार में उतरकर एक दिग्गज बिजनेस ग्रुप बनकर उभरी। साल 1995 में मैंने दोबारा से पढ़ाई शुरू की। उसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, जहां से करीब 30 साल पहले पढ़ाई छोड़नी पड़ी। मैंने कंपनी की तकनीक और प्रोडक्ट को बेहतर करने पर ध्यान दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक विप्रो 1999 तक इतनी बड़ी हो चुकी थी कि सिर्फ अपने 22% शेयर बेचकर रिलायंस को खरीद सकती थी। साल 2000 में विप्रो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो गई, और इसी साल मैंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की नींव रखी।
यद्यपि मैंने अपने जीवन में अभाव और गरीबी नहीं देखी थी, लेकिन इसके बावजूद मेरी गरीब बेसहारा लोगों और इंसानियत की मदद करने में बड़ी रुचि थी। 2001 में बेसहारा और गरीब लोगों को मदद देने के उद्देश्य से मैंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की स्थापना की। मेरा मानना है कि गरीब हो या अमीर, शिक्षा की पहुंच हम सभी तक होनी चाहिए, क्योंकि मानव विकास में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे देश में अभावों के कारण लाखों बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, इसलिए मेरी इस फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य ऐसे बच्चों की शिक्षा में मदद करना होगा जो अभावों के कारण स्कूल जाने में असमर्थ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेरी फाउंडेशन किसी भी तरह का कोई भी दान नहीं लेती है, यानी ये संस्था एकमात्र मेरे द्वारा दान की गई राशि से ही संचालित की जाती है। इस फाउंडेशन की शुरुआत सन 2001 में एक गैर सरकारी संस्था के रूप में की गई। इस संगठन को और आगे बढ़ाने के लिए मैंने 2010 में संकल्प लिया और भारतीय शिक्षा की नीतियों में सुधार करने के लिए मैंने 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का दान भी घोषित किया। ये दान मेरे द्वारा विप्रो कंपनी के शेयरों को विलय करके हासिल किया गया था। किसी भी भारतीय व्यापारी के द्वारा अब तक किया गया ये सबसे बड़ा दान माना जाता है। फाउंडेशन द्वारा कोरोना महामारी से लड़ने के लिए नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज और इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन के सहयोग से परीक्षण करने में भी मदद की, ताकि इस बीमारी का इलाज जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। मैं आपको बता दूं कि मुझे भारत का बिल गेट्स क्यों कहा जाता है। वजह है मेरे द्वारा किए गए परोपकारी कार्य। मैंने वित्त वर्ष 2020-21 में कुल 9713 करोड़ रुपए यानी 27 करोड़ रुपए प्रतिदिन का दान किया। इसके साथ मैंने परमार्थ कार्य करने वाले भारतीयों के बीच अपना शीर्ष स्थान हासिल किया। तो वहीं इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी, जिन्होंने साल 2020-21 में 577 करोड़ रुपयों का दान किया। इस लिस्ट में आठवें नंबर पर रहे अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी, उन्होंने 130 करोड़ रुपयों का दान किया। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के मुताबिक मैं वर्तमान में 25.8 अरब डॉलर के नेटवर्क के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 46वें नंबर पर हूं। इस कार्य की सराहना करने के लिए फॉर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मेरा नाम शामिल किया और भारत का बिल गेट्स का खिताब दिया। वर्ष 2010 में अमेरिका के दो बड़े बिजनेसमैन बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने द गिविंग प्लेस के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया। इस अभियान के तहत उन बिजनेसमैन और अमीर व्यक्तियों को दान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिनको ईश्वर ने अथाह संपत्ति प्रदान की। मैं इस अभियान से जुड़ने वाला पहला भारतीय था जब ईश्वर ने हमें इस काबिल बनाया कि हम किसी की मदद कर सके जो हमें अवश्य करनी चाहिए। मैंने अपनी माँ से शायद सबसे ज्यादा सीखा, क्योंकि वो एक योग्य चिकित्सक थी। उन्होंने अपना समय अपंग बच्चों के लिए बच्चों के ऑर्थोपेडिक अस्पताल के निर्माण के लिए समर्पित किया। वो इसके लिए कोष जुटाने के लिए दिल्ली तक जाती थी। उस समय हम इतने अमीर नहीं थे। मेरे परिवार ने मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। अब मैं आपको कार पार्किंग वाला दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। मैं अपने ऑफिस परिसर में जहाँ अपनी कार पार्क करता था, एक दिन किसी एम्प्लॉय ने वहाँ कार पार्क कर दी। जब ये बात कंपनी के अधिकारियों को पता चली तो उस जगह को सिर्फ मेरी कार पार्क करने की जगह घोषित कर दिया गया। ये बात मुझे जब पता चली तो मैंने इस रूल का विरोध किया। मैंने कहा वहां कोई भी अपनी गाड़ी पार्क कर सकता है, यदि मुझे अपनी गाड़ी वहां पार्क करनी है तो मुझे दूसरों से पहले ऑफिस आना चाहिए। मैं महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानता हूँ। यास्मीन मेरी पत्नी का नाम है। रिशद और तारिक मेरे दो बेटे हैं। रिशद फिलहाल विप्रो में आईटी बिजनेस के मुख्य रणनीति अधिकारी है। विप्रो को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाली कंपनी बनाने के लिए बिजनेस वीक द्वारा दुनिया के महानतम उद्यमियों में से एक उद्यमी के तौर पर मुझे मान्यता प्रदान की गई। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा मुझे वर्ष 2000 में डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। मुंबई में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग द्वारा लक्ष्य बिजनेस विजनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। मिडलटाउन कनेक्टिकट में स्थित वेलसैंड विश्वविद्यालय द्वारा सन 2009 में उन्हें उनके परोपकारी कार्यों के लिए डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। व्यापार और वाणिज्य में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार ने 2005 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। भारत सरकार ने वर्ष 2011 में मुझे देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इंडिया टुडे पत्रिका द्वारा जारी देश के 50 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों के लिस्ट में 2017 में मुझे 9वां स्थान प्राप्त हुआ।
फ्रांसीसी सरकार द्वारा 2018 में मुझे फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर से सम्मानित किया गया। 2019 में फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी एशिया प्रशांत क्षेत्र में 30 परोपकारी लोगों की सूची में मुझे शामिल किया गया। आज विप्रो का कारोबार दुनिया के 110 देशों में फैला है। मैं विप्रो के चेयरमैन पद से रिटायर हो चुका हूं। 2019 में मेरे बेटे रिशद प्रेम जी ने ये जगह ली। हालांकि मैं 2024 तक विप्रो में गैर कार्यकारी निदेशक बना रहूंगा। मैंने अपना सारा कारोबार अपने बेटे को सौंप दिया है। 2019 में मैंने 52,750 करोड़ रुपयों के अपने शेयर अपनी फाउंडेशन को दान कर दिए। ये पैसा गरीबों के कल्याण और धर्मार्थ कार्यों में लगाया जाएगा। फाउंडेशन के अनुसार 2019 में मेरे द्वारा परोपकार कार्य के लिए दान की गई कुल रकम 145,000 करोड़ रुपए यानी कि 21 अरब डॉलर हो गई। ये विप्रो लिमिटेड के आर्थिक स्वामित्व का 67% है। मेरे इस्तीफे के बाद कंपनी ने थियरी डेलापोटे को नियुक्त किया, जिन्होंने 2020 की शुरुआत में अबिदाली नीमचवाला के बाहर निकलने के बाद 2020 जुलाई में सीईओ के रूप में पदभार संभाला। बस मैं अब आप सभी को एक सीख देते हुए अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी जीत मिलती है, कभी हार मिले तो उसके सबक को न भूलें। तो दोस्तों, ये थी बिजनेस के बादशाह अजीम प्रेम जी की बायोग्राफी। हम हर बात के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, यही सोच बदलनी होगी। अगर आप समर्थ हैं, आपके पास दौलत है, समाज के लिए कुछ करिए। जब आपके पास पैसा और ताकत दोनों हो, तब समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यही काम आदरणीय अजीम प्रेम जी ने किया। अजीम प्रेम जी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।